सकराज, तो चलिए आज हम बात करने वाले एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के बारे में। और ये एयर इंडिया का ही कंपनी है। और एयर इंडिया के बारे में जानते होंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एयर सर्विस है उसी के ये कंपनी है ट्रांसपोर्ट के लिए। इसको बोलते हैं एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी आई हुई है 10वीं पास के लिए, ITI के लिए, MBA के लिए, डिप्लोमा के लिए इत्यादि के लिए। चलिए डिटेल्स में इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वॉक इन रिक्रूटमेंट, मतलब आपको इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलाउड है। अगर आप महिला हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अब पुरुष हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका जॉब लगेगा वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा, पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन किया जाएगा। 3 साल तक आपको, 3 साल तक वहाँ पर आपको जॉब करना होगा, वो भी फिक्स्ड बेस पे, मतलब जितना पे स्केल होता है ना इस पोस्ट के लिए, उस सेम पे स्केल आपको दिए जाएंगे। और इसमें एक चीज़, अच्छी चीज़ ये लिखा गया है कि इसको अकॉर्डिंग टू आपका परफॉर्मेंस अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो आपकी जॉब है जो उसको और भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या परमानेंट भी, अगर 3 साल से ज़्यादा कर लेते हैं तो परमानेंट भी आपका किया जा सकता है। तो अगर आप फ्री हैं तो इसमें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो ITI किए हैं, खासकर ITI के लिए कि आप जाइएगा ज़रूर। इसलिए ज़रूरी है कि ये जॉब बहुत अच्छा है और आपके आपको यहाँ पे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो देखिए इस तरफ क्या दिया है, पोजीशन जो पोस्ट का नाम है वो दिया है, ये जगह का नाम दिया है, स्टेशन मतलब जो जहाँ पे एयर इंडिया का जो हवाई अड्डा है वो, और पोस्ट दिया, नंबर ऑफ पोस्ट कितने, ये क्वालिफिकेशन का कॉलम है, ये सैलरी देगा पर मंथ, और अपर एज लिमिट दिया है इस पर, और यहाँ पर डेट है किस डेट में आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर एड्रेस है। तो पहला जो पोस्ट है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर का है यहाँ, और मुंबई में इनको जाना है, मुंबई एयरपोर्ट के पास इनको जॉब मिलेगा। और 2 पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो 10+2+3 सिस्टम है उसके अनुसार 18 साल से लिख रहा है कि विथ 18 ईयर्स एक्सपीरियंस, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से इसमें डिटेल्स में दिया है, अगर आप BCA किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे जहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड करके समझ सकते हैं। इसकी सैलरी होगा 60,000 पर मंथ, और यहाँ पे उनका जो अपर एज लिमिट है 55 साल है, और इंटरव्यू का डेट है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को डेट है। और कहाँ जाना है तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिवीजन, 2nd फ्लोर, GSDC कॉम्प्लेक्स, नियर सहार पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर 5, सहार अंधेरी ई मुंबई 4000999। ये एड्रेस है, सेम एड्रेस है सारे पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है आपका डिप्टी मैनेजर के लिए, तो इसको हम जल्दी स्किप कर देते हैं। डिप्टी मैनेजर के लिए ये भी मुंबई में है, और 10 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और इसके इनका जो सैलरी है 45,000 रुपये मिलेगा, 55 साल अपर एज लिमिट है, और इंटरव्यू का जो डेट है 24 को ही है, और सेम एड्रेस, इसी एड्रेस पर जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर दिया है कस्टमर एजेंट के लिए। कस्टमर एजेंट ये भी मुंबई एयरपोर्ट पे है जॉब मिलेगा, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 100 है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है देख लीजिए, 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा हुआ है, डिप्लोमा इन IATA, UFTA और IATA, ये कोर्स होता है रिलेटेड टू जो एयर सर्विस होता है उनसे, और नहीं तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरिया और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ अफेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज, पैसेंजर चेकिंग, कार्गो हैंडलिंग इत्यादि एक्सपीरियंस मांग रखा है जो नॉर्मल किए हुए हैं ग्रेजुएशन के लिए। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 2190 है, और अपर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 28, 31 और 33 साल है। ये जो कोर्स है उसके जनरल OBC और SC ST के लिए यहाँ पर दिया, जनरल के लिए 28 साल है, OBC के लिए 31 है, और SC ST के लिए 33 साल है। इसका इंटरव्यू डेट 25 को है, 25 अप्रैल को है, और यहाँ भी सेम एड्रेस है, आपको एड्रेस दिख रहे होंगे।
सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिवीजन, सेकेंड फ्लोर जीएसटी कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर 5 के पास आपको जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसमें आईटीआई का क्वालिफिकेशन मंगा है। इसी के लिए हम आप लोग जो आईटीआई की हैं, खासकर मेरे चैनल पर जितने भी आईटीआई वाले हैं उनके लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसे देखिए और कोशिश कीजिए कि पहुँचे। तो इसमें रैंप सर्विस एजेंट या रैंप सर्विस एजेंट एलजी के लिए 25 सीट है, मुंबई एयरपोर्ट पर जॉब मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको 3 साल का पर तो डिप्लोमा मांग रखा है, या नहीं तो आईटी दोनों है, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इत्यादि में। नहीं तो अगर आपके पास आईटीआई है एनसीबीटी से है और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें जो ट्रेड है मोटर व्हीकल्स है, ऑटो इलेक्ट्रिकल है, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर इत्यादि है। और यहाँ पे आईटीआई विथ एनसीबीटी सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ वेल्डर। जिसके पास 1 साल का कोर्स, अगर वेल्डर हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें ऐसा मांग रखा है। और आपको लोकल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। लिख रहा है कि एसएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में है 10वीं क्लास में, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कन्वर्जेंस विथ द लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज में जिसको आता है उसको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे सीटों की संख्या के अनुसार सैलरी जो दे रहा है वो है, ये रैंप सर्विस एजेंट के लिए है आपको 20,190 रुपया, और नेक्स्ट है RSL LG के लिए है 18,360 रुपया। एज की बात करें तो जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल और SC ST के 33 साल है। डेट आपका इंटरव्यू का 30 अप्रैल को है। यहाँ भी सेम एड्रेस है, सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिवीजन सेकेंड फ्लोर GST कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट गेट नंबर 5 सहार अंधेरी मुंबई 4000 99। ये इसका एड्रेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे जहाँ से आप सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है यूटिलिटी एजेंट एंड रैंप ड्राइवर। इसमें 60 पोस्ट है और जो आईटीआई नहीं किया जो 10वीं पास है उनके लिए है। और इसमें 60 पोस्ट है, मिनिमम का क्वालिफिकेशन की बात करें 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे सैलरी 18,360 रुपये है। एज की बात करें तो जनरल के 28 साल है, OBC के लिए 31 साल है, SC ST के लिए 33 साल है। और यहाँ पे डेट जो लिखा है वो 2 मई को आपका इंटरव्यू होगा, सेम एड्रेस है। और ऊपर शायद IT वाला भी ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा था। और यहाँ पे नहीं, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पर है। रैंप सर्विस एजेंट के लिए जो आप इसमें लिए अप्लाई, रैंप सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ इम्पेयरिंग फॉर टेस्ट। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इसमें भी होना चाहिए। और ये 10वीं पास के लिए इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। HMV होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उसमें ITLA में लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप, बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो लोग यहाँ पे टेस्ट में फेल कर जाएंगे, तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो अवश्य जाएं, जरूर जाएं, काफ़ी मौका अच्छा है आपके लिए। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पे, जूनियर एजुकेटिव ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है मुंबई में, और इसमें MBA होना चाहिए। अगर आप MBA किए हैं फुल टाइम 2 साल का और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास और MS ऑफिस का नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,300 रुपये सैलरी आपको मिलेगा। और आपके अगर एज की बात करें, जनरल के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 साल है, SC ST के लिए 40 साल है। 3 मई को आपका इंटरव्यू होगा, सेम एड्रेस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं इस जो PDF को। इसके बाद ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मुंबई में है और 3 पोस्ट है, सेम MBA होना चाहिए। 41,000 पे स्केल है इसका, पैसा मिलेगा आपको। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है।
और जनरल के लिए एज है 35 साल, ओबीसी के लिए 38 साल और एससीएसटी के लिए 40 साल है। 3 मई को इंटरव्यू होगा इनका भी। इसके बाद नेक्स्ट है 8वें नंबर पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा है और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में या अकाउंटेंट में, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसका जो सैलरी है 20,190 रुपये है और इसमें जो एज है जनरल के लिए 28 साल है, ओबीसी के लिए 31 साल है, एससीएसटी के लिए 33 साल है। 7 मई का इंटरव्यू होगा आपका और यहाँ पे आपको जितने भी डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो 1 अप्रैल से मान्य किया माना जाएगा, मतलब 1 अप्रैल तक आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैसे कैसे क्राइटेरिया उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट जो ITI के लिए था रैंप एजेंट के लिए उनके लिए हम बताते हैं। देखिए आपके लिए क्या होगा कि ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें ड्राइविंग जो टेस्ट है HMV का टेस्ट होगा, मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए, और LMV लाइट मोटर व्हीकल्स दोनों को चलाने का टेस्ट किया जाएगा आपको अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तब। और इसका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उसमें छूट जो मिलेगा एज का जो भी छूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अनुसार छूट दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो आपको 1 अप्रैल 2019 तक आपकी जितने भी टर्म कंडीशन है पूरा होना चाहिए तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। 500 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा मुंबई जो एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के पक्ष में, और ये मुंबई आपका जितना भी काम होगा मुंबई में होगा। और यहाँ पे इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन किया जाएगा वो दिखा देते हैं आपको हम। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारा चीज़। ये फॉर्म है और इस फॉर्म को आपको इसी फॉर्म को भर के भेजना है ऑफिस से जुड़ने, ये ऑफिस के लिए है इसमें नहीं बना, ये नीचे फॉर्मेट है यहाँ फोटो चिपकाना है और ये एड्रेस है, इस एड्रेस से भेजना है आपको मुंबई में। पोजीशन अप्लाइड फॉर, जिस पोजीशन के लिए अप्लाइड किया पोस्ट का नाम यहाँ लिख देना है और यहाँ जो डिटेल्स है आप डिटेल्स देख लीजिए, उसके अनुसार डिटेल्स आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद आपको ये क्वालिफिकेशन का कॉलम है, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह आपको देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कितना आप जैसे इंग्लिश है पढ़ सकते हैं, लिख्स बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, रिमार्क में बोलना है तो इस तरह से हिंदी है पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, उसमें टिक कर देना है केवल। और वर्क एक्सपीरियंस का ये कॉलम है, वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का ये कॉलम है, इसमें आपको मेंशन करना है कब से कब तक आपका इशू डेट कब था और लाइसेंस नंबर कितना है, कब तक वैलिड है। और इसके बाद जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके बारे में डिटेल्स देना है। और इसके बाद रिलेटिव वर्किंग एयर इंडिया, कोई रिलेटिव आपका एयर इंडिया में वर्किंग कर रहा है तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है और सिग्नेचर साइन करने के बाद आपको इस फॉर्म को भेज देना है। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन करना है, अप्लीकेशन फ़ी आप किए थे यहाँ टिक कर दीजिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, 1st ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, मतलब जो जो आपके डिग्री है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे आपको टिक करना होगा। यहाँ देखिए ITI NCVT लिखा है तो NCVT से ITI होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीरोस कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस का जीरोस कॉपी देना है। ये OBC सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट आपको OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद ये SC ST सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये इनकम सर्टिफिकेट है जो इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए, जैसे जनरल में 10% का जो आरक्षण दिया गया वो इसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यही था, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, उसमें लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए।